एंड डिफरेंशिएट। ओके तो कुछ क्वेश्चंस मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेई में जिसमें तुम्हें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उस टाइप के देखेंगे हमें। करो उसको यस यस राइट फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस है ना। ये ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा a टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy by dx हो जाएगा 2x माइनस 1। ओके a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इससे कंपेयर कर लो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 1 राइट। ओके तो कैन वी प्रोसीड, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Find dy by dx. See, इसको ऐसे रीड करते हैं dy by dx at x is equals to pi by 4। लिख रहे थे क्या? जल्दी लिखो। हाँ नेक्स्ट करो। व्हाट्स डी वाई बाय डी एक्स? लास्ट दो लेक्चर से नहीं बैठे क्या जो ये क्वेश्चन पूछ रहे? कॉम्पोनेंट हो डिविडेंड हो? नहीं नहीं सिंप्लीफाई करो उसको, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया।
ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है। इसमें लिखा है dy by dx at x is equal to pi by 4, मतलब जब dy by dx निकाल लोगे तो x की जगह pi, x को सब्स्टिट्यूट कर दो pi by 4 से। और पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करें कोई बताएगा क्या, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? हाँ, वन को सब्स्टिट्यूट कर, वन को सब्स्टिट्यूट कर, बिल्कुल सही, वन को सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, वन को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। sec x प्लस tan x माइनस ये हो जाएगा sec x प्लस tan x इनटू sec x माइनस tan x अपॉन tan x माइनस sec x प्लस वन। अभी वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक sec x प्लस tan x कॉमन, we will left with 1 minus of this, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ये sec x minus minus plus tan x, ओके। अभी अगर ध्यान से देखोगे तुम तो डिनोमिनेटर ये और ये सेम है, ठीक है, देख लो उसको, सबके साइन देख लो, वन वन ये पॉजिटिव वन है, नेगेटिव सेक है और टैन पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट होके क्या आ जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन sec square x, राइट। अब पुट कर दो dy by dx at x is equals to pi by 4, ये हो जाएगा sec pi by 4 45 degrees tan pi by 4 plus sec square pi by 4, ठीक है। sec pi by 4 की वैल्यू sec pi by 4 क्या होगी, वैल्यू sec pi by 4 की, रूट टू, ठीक है, ये रूट टू हो गया, tan pi by 4 1 होता है और ये रूट टू का स्क्वायर मतलब 2, राइट। तो आंसर हो गया रूट टू प्लस 1, सॉरी रूट टू प्लस 2, इज दिस क्लियर। sec pi by 4 रूट टू है, tan pi by 4 1 है और sec square pi by 4 root 2 का square, जिसे 2 value आंसर आ गया, ओके, root 2 plus 2, is this clear?
फर्स्ट लाइट दिखाना है, राइट दिखा, ये लिख लिया सबने? अब प्रॉपर आवाज आ रही है, अब तो सारी आवाज आएगी, हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, देर इज नो ऑल्टरनेट मेथड, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, यू हैव टू थिंक अबाउट सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट। ओके, सो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, सिंप्लीफाई इसको ऐसे ही करोगे, ये बेसिकली नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही है, ठीक है, तभी डिफरेंशिएशन में पुट कर दिया इसको, नहीं तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऑलराइट, हाँ, दिस इज अ प्रॉपर चैप्टर ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, डन, वी विल प्रोसीड। सेक एक्स को वन बाय कॉस एक्स लेके करोगे, क्या करोगे उसको ये तो बताओ, उसमें u by v रूल यूज करोगे, वो सब करने के बाद भी तुम्हें सेम ही आंसर आएगा पार्थ, सेम ही आंसर आएगा, क्यों तुम्हें ऐसा करना है, सीधे जब तुम्हें फॉर्मूला पता है तो वो यूज कर लो। इसमें तीन फंक्शन आ गए, तीन फंक्शन वाले वो कैसे डिफरेंशिएट करते करते हैं पता है? जैसे अगर कोई एफ ऑफ एक्स है, उसमें तीन फंक्शन है, दो फंक्शन होते तो हमें पता है f dash x हो जाता है, एक को वैसे ही रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, u dash मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस u dash v, है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, दो बार यूज कर सकते हो, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो उसको, यू वी अगर डब्ल्यू है तो एक को डिफरेंशिएट करना है एक बार में, एक को डिफरेंशिएट करना है, जैसे यू डैश वी डब्ल्यू प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश, ऐसे समझ में आ रहा है, ये लिख लो सब पहले, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो तुम ऐसे यूज करोगे। अब इससे एक टर्म और बढ़ा दू, एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब वैसे रखना है, ये समझ में आ रहा है लॉजिक इसका? अच्छा, किया था फिजिक्स में, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है किसी का, किसी का आंसर आ रहा है? देखो, इसमें जल्दी से आंसर लाने के लिए क्या कर सकते हो, इधर ध्यान दो सर, इसमें पता है कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करते टाइम एक फंक्शन, इन तीनों में से किसी एक फंक्शन को वैसे ही रखना है, और सॉरी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दोनों को वैसे ही रखना है, ठीक है, और इधर लास्ट में मुझे आंसर चाहिए -1, राइट, आंसर मुझे चाहिए -1, तो अगर इसमें तुम ध्यान दोगे तो ये 1 प्लस एक्स में अगर तुम -1 पुट करते हो तो वो जीरो हो जाएगा, राइट, तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जब इसका डिफरेंशिएशन आता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स,
और बाकी ऐसे सेम वैसे ही रहने देता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 3 + x² to the power 1/2, 9 + x³ to the power 1/3, ठीक है, प्लस 1 + x dy/dx ऑफ 3 + x² to the power 1/2, 9 + x³ to the power 1/3, प्लस 1 + x dy/dx, 1 + x into 3 + x² to the power 1/2 dy/dx ऑफ 9 + x³ to the power 1/3, ठीक है, ये ऐसा डिफरेंशिएशन होगा। और उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, चाहिए f डैश x, इसके बाद हम लोग पुट करेंगे -1, राइट। अगर -1 पुट करता हूं, एक चीज समझ में आ रही है कि ये और ये जीरो हो जाएगा, ये और ये जीरो हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज सबको समझ में आ रही है। यस यस, 4 इज द आंसर, गुड। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिफरेंट, तो मुझे बस ये यूज करना है, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो भी ये जीरो हो गया, इसमें -1 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, राइट, और इसमें तुम 1 - 1 पुट कर दो, तो 3 + 1 to the power 1/2 और 9 - 1 to the power 1/3, ये हो जाएगा 4 to the power 1/2 और 8 to the power 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, आंसर आ गया 4। इज दिस क्लियर, यहाँ पे जीरो आ जाएगा इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, यू हैव नॉट एडेड जीरो। अरे ये इसका वैल्यू जो है, ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, -1 इसमें तुम पुट करोगे तो 1 - 1 जीरो हो जाता है ना। ओके अनुज, राइट, डन, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, मॉड आ गया, इसको कैसे करोगे? ट्राई दिस वन, आई विल बी बैक इन 1 मिनट।
प्रीवियस स्लाइड, इसको नॉर्मली जैसे हम लोग, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके करें, जैसे हमें इसमें, हमें ऑलरेडी पता है ना कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्स होता है ना जब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो एक्स मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। हाँ, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओके, अब इसको डिफरेंट, यही हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये एफ डैश एक्स, इसको तो मैं ऐसे लिख सकते हो, टू मॉड एक्स, मॉड की जगह यही आ रहा है, टू को अगर तुम बाहर निकाल दोगे तो यही तो रहेगा, राइट। इज दिस क्लियर। जब भी ऐसे मॉड का क्वेश्चन आता है, उसको ऐसे सेपरेट करके किया करो। ओके गायत्री, डू यू नो दिस, फर्स्ट कंफर्म मी दैट, ये पता है कि नहीं, ये पता है तो फिर उसके बाद तो मैं ये फंक्शन ही बना रहा हूँ ना, ये फंक्शन बना रहा हूँ, तो दोनों मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। अगर मैं इसमें से टू अगर अलग कर देता हूं, तो माइन ये फंक्शन वापस बन जाएगा ना, टू को अलग कर दूंगा, राइट। इसलिए मैंने मॉड एक्स लिख लिया यहाँ पे, यू आर गेटिंग। नहीं, लेस लेस देन इक्वल टू आएगा ना, इक्वल टू में भी सेटिस्फाई होता है, फंक्शन ऐसा है ना, मॉड एक्स का फंक्शन, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो जीरो पे सेटिस्फाई होता है, राइट। जीरो पुट करके भी देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है। दिस क्लियर। हाँ, कहीं भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो या तो इसमें भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेटिस्फाई होता है। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन मनस, व्हाई वी डोंट टेक ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स, कहाँ पे कैसे में? अच्छा, इसमें इसमें हाँ, डिफरेंशिएशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के टाइम पे ये इक्वल नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन के टाइम पे, अभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुआ ना तुम लोगों का, जहां नॉच बनता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मैं बता देता हूँ उसका लॉजिक भी, क्यों क्यों वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ से इक्वल टू साइन हटा दिया, ठीक है। जहां ये नॉच, जहां पे भी ऐसा नॉच बनता है, ये नॉच बनना जहां पे ये ऐसे एज टाइप का जो बनता है, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, ठीक है। अभी डिफरेंशिएबिलिटी में तुम पढ़ोगे, ठीक है। क्यों नहीं होता डिफरेंशिएबल, क्योंकि फिर से डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पे टैंजेंट, किसी भी एक ऐसे कर्व अगर होता है, उसमें किसी एक पॉइंट पे टैंजेंट, ठीक
राइट, किसी भी एक पॉइंट पे टैंजेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये एंड पॉइंट्स या नॉचेस में, एंड पॉइंट्स में अगर मुझे टैंजेंट बनाना है, ये तो एक पॉइंट है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। टैंजेंट तो क्या होता है, एक कर्व को टच करते हुए लाइन जाती है, पर ये तो एक पॉइंट है, तो यहां से तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, राइट। तो एक यूनिक डिफाइंड लाइन नहीं होती यहां पे, इसलिए यहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है? ये तो डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसका लॉजिक समझा दे रहा हूं कि एंड पॉइंट्स और नॉचेस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पे एक यूनिक लाइन, यूनिक टैंजेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। यहां पे इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है, क्योंकि ये एक पॉइंट है। इज दिस क्लियर? हाँ, वी कांट ड्रॉ टैंजेंट एट वर्टाइसेस, यूनिक टैंजेंट, टैंजेंट शुड बी यूनिक, ओके। क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग मानते हैं कि एक कर्व में एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट जा सकता है ना, क्योंकि टच करते हुए जाना चाहिए, राइट, ठीक है। ये सब तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में लिखवाया जाएगा, परेशान मत हो, लेकिन लॉजिक अभी समझ लो, आ गया तो समझ लो लॉजिक, राइट। तो नॉचेस पे और एंड पॉइंट्स पे, जहां जहां नॉचेस आएंगे, ओके, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इसलिए मैंने यहां से इक्वल टू हटा दिया। नॉच मींस दिस, अगर टर्न ऐसा हो रहा है तो ये कर्व है, देखो अभी ग्राफ का टर्न ऐसा हो रहा है, नॉच दे रहा है ना, शार्प एज दे रहा है, उसको बोलते हैं नॉच। ऑलराइट, सर्कल हुआ तो वहां तो टेंजेंट बन ही सकता है ना, कहीं पे भी। फोन का फ्रंट है, हाँ, वो नॉच हटा दिया ना उसका, सही बोला, अब उसमें टेंजेंट नहीं बन सकता है, जिस फोन में नॉच हटा दिया, बन सकता है, मतलब नॉच रहता तो नहीं बन सकता। ऑलराइट, डन। Can we proceed? Okay. हाँ, इसको पहले सिंप्लीफाई करो,
इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कोई बताएगा? देखो इसमें मैं अगर कॉस बना देता हूं, इसको अगर मैं कॉस बना देता हूं तो बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस कॉस इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, राइट। अगर मैं इसको कॉस बना देता हूं तो हो जाएगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ट्राइंगल, ट्राइंगल यूज कर सकते हो उसमें, है ना। रूट में नेगेटिव, पर कॉस टू अल्फा भी तो है, कॉस टू अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कॉस टू अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। अल्फा क्या है, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, तो टू अल्फा क्या हो जाएगा, पाई बाय टू से पाई, राइट। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो रूट के अंदर पॉजिटिव है। इज दिस क्लियर? चेन रूल वगैरह यूज नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई करो फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें। इसको ऐसे यूज करो, कॉट इनवर्स कॉस अल्फा अपॉन रूट ओवर माइनस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू थीटा ले लो, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन रूट ओवर माइनस कॉस टू अल्फा। तो अगर मैं ट्राइंगल यूज करता हूं तो ये थीटा हो गया, और यहां पे कॉस अल्फा आ जाएगा, यहां पे रूट ओवर माइनस कॉस टू अल्फा आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा, राइट। चलिए यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा, ठीक है। इसको अगर तुम फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ठीक है। इसमें से क्या बचेगा, देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस वन, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। और ये हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि होता है मॉड साइन अल्फा, राइट। जब भी रूट ओवर और स्क्वायर आया तो हम मॉड यूज करते हैं, याद है ना ये बात। डबल एंगल क्यों नहीं, मैं समझा नहीं डबल एंगल क्या बोल रहा हूं। यश ठीक है, अभी ये अल्फा जो है, अल्फा जो गिवन है वो पाई बाय फोर से पाई बाय टू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये तो हमेशा साइन अल्फा ही रहेगा इस केस में, है ना, राइट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सबको? क्योंकि इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉस में लिखना है इसको, कॉस इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, राइट। ठीक है, दैट इज कॉट अल्फा, यार राइट। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट अल्फा।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें मैं पुट कर दूंगा थीटा मैंने ये लिया था, ठीक है, थीटा मैंने ये लिया था, ये पार्ट को थीटा लिया था मैंने, राइट। अब इसके इसमें मैं पुट कर दूंगा कॉस इनवर्स कॉट अल्फा, ठीक है, हाउ इट केम माइनस वन। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यार, तुम लोग को अभी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला में तुम पूछ रहे हो कैसे आ रहा है ये। कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos² अल्फा - 1। अभी अगर तुम लोग को अभी भी अगर 2 α sin 2 θ cos 2 θ का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कैसे करोगे मैथ्स फिर। डबल एंगल नहीं यूज कर सकते, मैं समझा नहीं यश, डबल एंगल कहाँ यूज कर रहे हैं तुम। यूज तो कर रहे हैं ना यहाँ पे, कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला तो यूज हो रहा है, कहाँ डबल एंगल यूज करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बोल रहे हो, मुझे व्हाट्सएप करो। Instead of assuming it to be theta, तो theta तो assume करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कैसे करते हैं solve inverse trigonometry, तो ऐसे ही solve करते हैं। हाँ ITF में same किया था। हाँ you WhatsApp me, I'll check what you are saying. यहां तक सबको क्लियर है, मैं इसके जगह प्लेस कर दूंगा। एफ ऑफ अल्फा हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह मैं प्लेस कर दूंगा ये, सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉट अल्फा, ठीक है, हमारे पास रह जाएगा कॉट अल्फा, और इसका डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यही चाहिए था हमें, राइट, इज दिस क्लियर, ये हमारा आंसर। सर आपने कॉस स्क्वायर पार्ट, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या पूछ रहे हो, और किसको रिप्लेस करते, इसको रिप्लेस करते, तुम इसको रिप्लेस करके क्या करते, यही है ना, इसको ही तुम कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। और फॉर्मूला याद करो सब, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद नहीं करोगे कैलकुलस नहीं होने वाला है, ओके। और ये तो बेसिक फॉर्मूला है, कुछ ऐसा टफ फॉर्मूला भी नहीं है, सी एन डी फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला होता तो भी एक बात होती, मतलब जब 10 से 11th आते तो सबसे पहले हम लोग a + b sin a + b sin a - b sin 2 θ cos 2 θ यही तो फॉर्मूला पढ़ता है, वो भी नहीं तुम लोग को याद रहता है ना, ये सब चीजें याद रखो, नहीं तो कैलकुलस नहीं होने वाला है। और वो कैलकुलस का रीजन ये मत देना कि कैलकुलस टफ है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ये रीजन देना फिर, ओके। वापस जाके मेरे 2 lectures है, रिवीजन लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और आतिफ सर के तो पूरे लेक्चर्स है, वो तुम्हें उसमें तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री से। ओके डन।
मतलब साइन, ये साइन टू थीटा पे चार लोगों के लेक्चर से फिर भी तुम लोगों को स्ट्रगल कर रहे हो तुम। उसके बाद भी पूछ रहे हैं लोग कि ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ा दो। चार लोगों ने पढ़ा दिया है, वो भी 6 बार। अभी नया सेशन भी आ जाएगा 11th के बच्चों, उनके साथ भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो। जब तक तो तुम लोग खुद एफर्ट नहीं करोगे तब तक कभी भी नहीं आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, नो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें देखो डबल डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, फिजिक्स में किया होगा राइट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, रूट तुम्हें हटाना है, रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग। पर स्क्वेयर भी करोगे तो एक रूट रह जाएगा ठीक है। मैं अगर स्क्वेयर करता हूं उसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे रह जाएगा y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट ओवर 2 रूट ओवर वाई माइनस एक्स इंटू रूट ओवर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 राइट। ये कैंसल, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, सॉरी 2y प्लस 2 रूट ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कैसे रूट हटाओगे, हाँ एक रूट को दूसरे बाजू, इसको दूसरे बाजू ले जाओ इधर वन माइनस 2y। अभी फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4y² माइनस 4y, ओके ये हो जाएगा 4y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 1 प्लस 4y² माइनस 4y। ये कैंसिल, फोर वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, 4y² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा राइट। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x² अब मैं 4 से अगर डिवाइड कर देता हूँ, अगर 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा y 1/4 प्लस x² राइट। अभी डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx हो जाएगा 2x और
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू, इज योर आंसर। वन क्या वन टू आंसर। अच्छा एट एक्स इज इक्वल टू वन पूछ रहे हो, मतलब लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएट करके टू ही आ रहा है ना, एक्स है ही नहीं, कहां पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू वन, राइट? मतलब यहां पे अगर कोई टर्म रह जाता एक्स या कुछ तो उसमें तुम एक्स पुट कर सकते थे, इसमें पुट करने का स्कोप ही नहीं है, मतलब है ही नहीं एक्स, तो कहां पुट करोगे? तो एक्स की कोई भी वैल्यू पे ये टू ही देगा, इट बिकम अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट? Done? यहाँ पे अगर स्क्वायर कर रहे हो तो भी, मतलब इधर हम लोग रूट्स नहीं निकाल रहे ना, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रूट्स, तो अगर रूट गेन ऑफ रूट्स या लॉस ऑफ रूट्स से हमें उतना फर्क पड़ नहीं रहा इसमें, ठीक है? रूट्स नहीं निकाल रहे, रूट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो जब फंक्शन जब एक्स एक्सिस को कट करता है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस दैट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देख चुके हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके भी, इसके लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने लिमिट्स के पर्सपेक्टिव में एक आध चीजें बता दी थी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बेसिकली अगर कोई ऐसा फंक्शन आता है f ऑफ x, y is equal to f of x to the power g of x, power में g of x रहता है, तब दोनों साइड log ले लो और differentiate कर दो, या फिर अगर function इस टाइप पर रहता है f1 f of x into f2 f x f3 x, ऐसे करके बहुत सारे function अगर आ जाते हैं तो तुम्हें लॉग लेना पड़ जाएगा। जब तुम लॉग लोगे इसको, अगर लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या होता है, अगर दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या होगा, क्या फायदा होगा इसमें? समेशन में आ जाएगा, राइट? ऐसे करके समीशन में आ जाए,
और फिर इजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? नो 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 अद्वित, ये हा दिस इज काइंड ऑफ यू वी डब्ल्यू रूल, बट वो ना यूज करके. अगर तीन चार फंक्शन रहे तो ठीक है, अगर बहुत सारे फंक्शन रहे तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ऐसे करके. मतलब कर तो सकते हो, प्रॉब्लम जाएगा. ठीक है, वैसे वो भी कर सकते हो तुम, लेकिन अगर प्रॉब्लम जा रही है तो लॉग लेके भी कर सकते हो. राइट, ओके. वो देखते हैं क्वेश्चन में, देखेंगे लॉग कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग हट जाएगा ना, वन बाय वाई आ जाएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स. डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन वन बाय एफ ऑफ एक्स हो जाता है ना, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं. Got it? Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. लॉग लेके करना, और बाद में तुम लोग खुद से बिना लॉग लिए भी ट्राई करना एक बार. ठीक है, अभी लॉग लेके ट्राई करो, बाद में बिना लॉग लिए ट्राई करना कि तुम्हें कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, ये जैसे ये y है, मैं इसको y ले लेता हूं, तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो ये हो जाएगा log y is equals to log of, मैं डायरेक्टली एडिशन के फॉर्म में लिख दूं क्या, x प्लस वन प्लस, क्योंकि इतना सारा मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा, इससे अच्छा मैं एडिशन के फॉर्म में लिख दूं. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? राइट, इसको डिफरेंशिएट कर दो. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स. राइट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स प्लस वन. इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस टू, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, प्लस डैश 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 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एन. राइट, यस, आंसर डी है. राइट, गुड.
ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस डैश 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 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एन। तो अभी इसमें तुम्हें पुट करना है जीरो, है ना, ये एफ डैश एक्स है ना हमारा, ये तो हमारा एफ डैश एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स है, इसमें हमें जीरो पुट कर देना है, एफ डैश जीरो। तो अगर y में तुम जीरो पुट करते हो, ये इसमें अगर जीरो पुट करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, यहां पे अगर तुम जीरो पुट कर देते हो तो क्या वैल्यू आएगी, ऐसा आ जाएगा वन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डैश 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 इंटू एन, क्योंकि x में तो सब जगह जीरो आ जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है, ये y हमारा f ऑफ x है, वेरिएबल्स में कंफ्यूज मत होना, ये चीज सबको समझ में आ रही है। और यहां पे अगर जीरो पुट करते हो तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस डैश 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 प्लस वन अपॉन एन, तो यही तो एन फैक्टोरियल होता है, राइट, तो एफ डैश जीरो क्या हो गया, एन फैक्टोरियल वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस डैश 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 प्लस वन अपॉन एन, राइट, इज दिस क्लियर। Is this clear to everyone? किसी को इसमें कुछ डाउट? हाँ, चेन रूल हमेशा लगेगा, लॉग हो या ना हो, चेन रूल हमेशा यूज होगा, इसमें चेन रूल के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें चेन रूल, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर x प्लस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो वन ही होता है ना, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन ही होता है, तो चेन रूल तो हमेशा यूज होगा इररिस्पेक्टिव, ऐसे कोई आके बताएगा नहीं कि हाँ आप चेन रूल यूज करो, ठीक है, चेन रूल तो मैं हमेशा यूज होने वाला है। हाँ, जस्ट वी इग्नोर डी एक्स, हाँ, बिकॉज डी एक्स बाय डी एक्स इज वन, दिस y जो है ये है ना, ये हमारा y है, ये हमारा y है, अब इसमें मुझे x की जगह जीरो पुट करना है, तो यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दोगे, यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दोगे तो क्या आएगा, वन यही बचेगा ना, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डैश 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 एन, राइट, डन, कैन वी प्रोसीड, Thank you.
लॉग लिखे सॉल्व करो उसको। ठीक है, इसको कैसे करोगे? एल एन वाई ले लेते हैं, राइट। ये हो जाएगा एल एन पूरा फंक्शन, ठीक है। पहले मैं इसको एडिशन में लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो फंक्शन है, ये दोनों एडिशन में आ जाएगा, ठीक है। ये दो डिफरेंट फंक्शन, ये एडिशन में आ जाएगा। तो मैं ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पार एल एन एक्स प्लस एल एन कोस एक्स ई टू द पार एक्स ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स एल एन साइन एक्स प्लस एल एन कोस एक्स ई टू द पार एक्स ए प्लस बी एक्स। अब इसमें चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब तुम्हें ध्यान से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट? ये हो जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल, ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना इधर। पहले मैं एल एन एक्स को वैसे ही लिख देता हूं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स, और चेन रूल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, राइट, प्लस एल एन साइन एक्स वैसे ही लिख देता हूं, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स। इज दिस क्लियर? यहां इसका डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ रहा है? अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। ये कैसा होगा डिफरेंशिएशन? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मैं लिख देता हूं कोसेक ई टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और अभी चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका
कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हाँ माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है ना, तो ये सेम हो जाएगा माइनस ऑफ, या मैं ऐसे लिख देता हूं, कोसेक ई टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, और कॉट के फॉर्म में लिख देता हूं, कॉट ई टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स. इज दिस क्लियर? और भी बचा है राइट, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा चेन रूल से, अंदर का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा. ठीक है, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई यहां पे डिफरेंशिएशन होने के बाद, क्योंकि देखो हमें लास्ट में ये पुट करना है ना, एक्स इज इक्वल टू वन राइट, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है, तो हमें जबरदस्ती बहुत सारा डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें लॉजिक यूज करके अगर पहले ही कहीं तुम्हें समझ में आ जाए कि इसकी जरूरत नहीं है तो डिफरेंशिएट. अभी हमें ये भी डिफरेंशिएट करना है, मैं इधर लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा d by dx of e to the power x a plus bx. यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये इसका डिफरेंशिएशन, यश इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये ln है तो ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 upon sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वही तो लिखा है मैंने यहां पे, समझ में आ रहा है? राइट ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो यहां से थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे कि अगर मुझे वन की वैल्यू पुट करनी है, वन की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एल एन वन. ठीक है, और यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं e टू द पावर वन ए प्लस बी, है ना, यहां पे मैं इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं वन, तो ये e टू द पावर वन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का दिया हुआ है पाई बाय टू ई, मतलब ये आ गया पाई बाय टू, तो मतलब कॉट कॉट पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है? कॉट पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है? जीरो. जीरो ठीक है, जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो. तो बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो पूरा जीरो हो गया. इज दिस क्लियर? देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले जेई में, ऑल राइट, जिसमें तुम्हें थोड़ा तो अपना एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? ठीक है, अभी हमारा वैल्यू आ जाएगा dy वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वाई. इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? ये तो जीरो हो गया राइट, ये तो पूरा जीरो हो गया, हमारे पास रह जाता है ये बस. ठीक है, तो ये हो जाएगा ln sin 1 upon 1. ठीक है,
वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी जब एक्स इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो बता सकता है कोई? वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी? जीरो थोड़ी ना होगा, पुट करके देखो ना, वाई की वैल्यू पुट करके देखो, साइन वन टू द पावर एल एन वन कोसेक ई ए प्लस बी, ठीक है? तो एल एन वन तो जीरो होता है, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो ये वन हो गया, और ये हमने निकाली लिया था, ये पाई बाय टू है, तो कोसेक पाई बाय टू क्या हो जाएगा? वन। तो वाई की वैल्यू वन आ गई, हमारा आंसर आ जाएगा एल एन साइन वन। एक बार देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये समझ में आना चाहिए। Is this clear to everyone? Product rule, इसमें पूछ रहे हो? इसमें पूछ रहे हो क्या? यश एक बार मुझे कंफर्म करना, इसमें पूछ रहे हो क्या? इसमें प्रोडक्ट रूल यूज नहीं किया, इसमें तो चेन रूल यूज किया ना। पहले एल एन को डिफरेंशिएट किया तो ये चीज डिनोमिनेटर में आ गई, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, फिर उसके बाद चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना था, लेकिन किया नहीं हम लोगों ने उसको, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होने लगी थी, है ना? क्योंकि ये पाई बाय टू हो गया था, कॉट पाई बाय टू जीरो था, तो अगर ये जीरो है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, राइट? इज दिस क्लियर? ओके। Can we proceed? साइन वन के बाद का मतलब वाई की वैल्यू वाला बोल रहे हो, वाई की वैल्यू का? वाई की वैल्यू में हमें तो वन पुट करना है ना, इसमें मैंने वन पुट कर दिया, तो साइन वन टू द पावर एल एन वन, और ये आ गया। ये चीज समझ में आ रही है? ये कैसे लिख रहा हूं मैं, एक्स की जगह वन पुट करो तो आएगा, है ना? ये चीज समझ में आ रही है? तो व्हाट इज एल एन वन? एल एन वन इज जीरो, राइट? तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, और e into a plus b is pi by 2. e into a plus b is pi by 2, right? तो यहां ये इसमें pi by 2 हो जाएगा, तो cosec pi by 2 is 1. Is this clear? Is this clear? Okay. ये एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, ये बस मैं ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन।
ठीक है, ये लिख लो इसको। डन। हाँ, टू रेस टू, ये पावर में है, ये पूरा ये पावर में है। ठीक है, टू रेस टू लॉग बेस टू एक्स टू द पावर टू एक्स, लिख लिया सबने। हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? यस, ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें इसमें लिखने में इतना टाइम जा रहा है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसको। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, नहीं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको वाई के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। देखो इसमें एक्स और वाई तुम अलग अलग नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इसमें देखो एक्स और वाई तुम अलग अलग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। मतलब मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो इसको लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अभी के लिए अगर मैं प्लस मानू उसको तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स तुम लिख सकते हो रूट ओवर ऐसा, है ना। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें तुम एक्सप्लिसिटली इन दोनों को लिख सकते हो, मतलब दोनों को अलग अलग लिख सकते हो एक्स एक्स और वाई को, पर इसमें तुम अलग करके नहीं लिख पाओगे इम्प्लिसिट फंक्शन में। ये चीज समझ में आ रहा है? ये फंक्शंस में पढ़ा होगा, राइट? अभी तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। फाइंड डीवाई बाय डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। इसको बस डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना सब, जो भी रूल तुमने पढ़ा है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन टू को बाहर रखो, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एक्स को वैसे ही रखो, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और y को वैसे ही रखो, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx is equals to 0. Is this clear? ये स्टेप क्लियर है क्या सबको? फिर से बताना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 को वैसे ही रखो, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करो, प्रोडक्ट रूल, है ना, मतलब x को तुम वैसे ही रखो पहले, y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx, फिर y को वैसे ही रखो ऐसे ही,
और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ये चीज समझ में आ रही है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. इज दिस क्लियर? वाई स्क्वायर का लॉग में क्यों होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो ऐसे ही होता है ना, टू बाय डी वाई बाय डी एक्स, राइट? हाँ वैसे भी कर सकते हो, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो. हाँ कर सकते हो श्रेयस, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बस चेन रूल ठीक से यूज करना, ठीक है? इसको आगे सिंप्लीफाई करते, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, तो देखो गायब हो सकता है, राइट? ये 2 2 2 ये सब इधर भेज दो, है ना, 2 गायब कर देते, हमारे पास रह जाएगा x प्लस x dy बाय dx प्लस y प्लस y dy बाय dx. तो हमें चाहिए dy by dx, ओके? तो मैं dy by dx कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से dy by dx कॉमन लेता हूं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x plus y is equals to, ये दोनों इस साइड आ जाएगा, माइनस x माइनस y, है ना, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x plus y. तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वन. इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ये POSL का इक्वेशन है, ये कंफर्म है, ये POSL का इक्वेशन है, तुमने निकाला है, इसको निकाला तुमने, A B C F G H इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, ये निकाला तुमने, ये हमें पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि ये POSL है कि नहीं है. डन, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? नहीं अभी खत्म नहीं है, एक और क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ. नहीं ये कोनेक्स का इक्वेशन हो जाएगा ना, अगर POSL नहीं होगा तो कोनेक्स का इक्वेशन हो जाएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला,
उसका तो टैंजेंट होता ही है राइट। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी होता है। एंगल बीच का, ये एंगल आ जाएगा बीच का, वो देखते हैं हम लोग ये सब तुम एओडी में देखोगे। पैरेलल लाइंस आ रहा है ना तो वो तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका तो स्लोप होता ही है ना राइट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डन। ओके अच्छा ऑल राइट, वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके All right. Okay. Thank you.